का तृतीय दौर, किसी भी प्रकार से कोई पाबंदी नहीं, खुला मंच, मन पसंद रचना। रामचरितमानस से बड़ी सुंदर गाथा श्रवण करेंगे। एक समय की बात, जब राजा जनक जी अपनी लाडली सिया का स्वयंवर रचते, आज देखिए स्वयंवर में बड़े भूप अनेक आए हुए। स्वयंवर का सार, जो भी बलवान, जो भी राजा धनुष को उठा करके उसे तोड़ेगा, उससे मां जानकी का विवाह रचा दिया जाएगा। आज देखिए बारी बारी से सभी राजा आते हैं, परंतु बड़े दुख की बात, धनुष को उठाना तो दूर की बात है, जितने भी राजा आए हुए बारी बारी लाइन से सब आते हैं, परंतु धनुष को अभी तक कोई भी नहीं हिला पाता है। और आइए देखिए सभा में क्या होता है। आज देखिए भैया कि राजा जनक ने रच दिया स्वयंवर का ऐलान, और जो भी धनुष उठाएगा होगा वही। और आज देखिए क्या हुआ, हिला तक न पाए। और आज बेटे हैं सही को जोगाए, हार्दिक अभिनंदन। Hey!
इसी बीच आज धनुष को कोई भी नहीं उठा पाता है, तभी राजा जनक जी बड़े शर्मिंदा होते हैं, बड़े दुख के साथ कहते हैं, यदि मुझे पहले से पता होता कि कोई भी राजा धनुष को नहीं उठा पाएगा तो कदापि मैं ऐसा स्वयंवर नहीं रचता। और आज देखिए क्या कहा, अरे होता दुलारे आंखों के तारे स्वयं प्रभु श्री राम राज माने, आपने कैसे कहा कि कोई भी राजा धनुष को नहीं उठा पाएगा। और आज देखिए भैया लखन की आंखें क्रोध से लाल है, क्या कहते हैं, अरे ऐसी ना पानी बोलो और हे राजन ऐसी न बाणी बोलो बोलो मुसम्मान से, क्योंकि आज नैना भर आए देखो वीर लखन लाल के, अरे ऐसी न बाणी बोलो बोलो मुसम्मान से, अरे नैना भर आए देखो कि नैना भर आए देखो दशरथ के, नैना भर आए देखो दशरथ के, नैना भर आए देखो दशरथ के लाल के, नैना भर आए देखो दशरथ के लाल के, अरे नैना भर आए देखो वीर लखन लाल के, नैना भर आए देखो वीर लखन लाल के, नैना भर आए देखो वीर लखन लाल के। और आज भैया लखन कहते आज जनक जी की बातों का मुझको गुस्सा मुझको गुस्सा बारे,
का हार्दिक अभिनंदन एवं मुकेश यादव रतेड़ा कला से 101 रुपए की राशि प्रदान हुई, हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय भूतू यादव भैया आपकी ओर से भी 11 रुपए की राशि प्रदान हुई, हार्दिक अभिनंदन। लेते हैं और सभा के बीच में जैसे ही अपने कदम को बढ़ाते हैं, आज सारी सभा उन्हें देखकर हंसती है कि जब हम इतने बड़े बड़े बलवान राजा धनुष को उठाना दूर हिला तक नहीं पाए तो ये क्या हिला पाएंगे। आदरणीय मणिकांत साहू जी घोड़ा डोंगरी से 21 रुपए का सर्वाद आया, भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और कहना है और आज देखिए भैया सभा में क्या हुआ, कई वीर है बैठे संभाल पागड़ी मुझे और आज इन्हें देख कई हंस रहे सभी, कई वीर संभाल पागड़ी मुझे इन्हें देख एवं राम सत्ता समिति बाजार ढाना घोड़ा डोंगरी आपकी ओर से 101 रुपए की राशि एवं द्वारका प्रसाद यादव पांडरा से आपकी ओर से भी कर्ण की राशि प्रदान है, हार्दिक अभिनंदन। और आए थे क्या नाम कमाया,
घोड़ा डोंगरी आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया एवं गोलू यादव घोड़ा डोंगरी मुकेश यादव सर्विस साउंड एवं नरेश यादव जी लावी आप सभी की ओर से 151 रुपए की राशि मंडल को प्रदान हुई। मंडल आपसे आशीर्वाद की कामना चाहता है। धनुष को उठा लेते हैं। सारी सभा आश्चर्यजनक प्रभु राम को देखती है। राजा जनक जी बड़े प्रसन्न होते हैं और क्या होता है, अरे धनवा उठा लिया, ओ देखो धनवा उठा लिया, और कहना है अरे धनवा उठा लिया, ओ देखो धनवा उठा लिया, 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 धनवा उठा लिया। सरपंच ग्राम पंचायत पांडरा से 91 का आशीर्वाद आया भैया, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और अरे देखो उठा लिया, ओ धनवा देखो उठा लिया, देखो उठा लिया, ओ धनवा देखो उठा लिया, देखो उठा लिया, ओ धनवा देखो उठा लिया, देखो उठा लिया, ओ देखो धनवा उठा लिया, सपना पूर्ण हुआ तब जाकर के हमारे प्रभु राम 22 जनवरी को इस कलयुग की धरा भूमि पर पधारे। स्वयं चलकर अयोध्या नगरी से हमारे प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम हम सभी मानव को सही मार्ग की सराहना कराने के लिए आ गए। और आइए भजन सुनेंगे। हम उनको लाएंगे और फिर से एक बार अब तो हमारे प्रभु राम भी आ गए और कहना है अरे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे और भारत में फिर से कि भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे,
बैठी जाना से इक्का रुक गया कि पता नहीं हार्दिक हार्दिक और घर घर में फिर से सब दीप जलाएंगे भारत में फिर से हम सब दीप जलाएंगे भारत में फिर से हम सब दीप जलाएंगे घर में फिर से हम सब दीप जलाएंगे फिर से आदरणीय सुभाष यादव जी घोड़ा डोंगरी पान सेंटर
मुकेश सर्विस साउंड, इनकी ओर से 251 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। मंडल आप सभी से आशीर्वाद की कामना चाहता है। और श्री जुगल किशोर, श्री जुगल किशोर जी बंग जी घोड़ा डोंगरी से 101 रुपए की राशि और कह रहा है। आपका समय यही समाप्त होता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान।